हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। यदि अभी तक नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिए। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और वहीं पे हमें मैसेज द्वारा अपने डिमांड बता सकते हैं। यदि आप कोई भी टॉपिक को लेकर कोई भी वीडियो चाहते हैं, यदि लेसन प्लान चाहते हैं तो हमें पूरे लेसन की पिक भेजिए, हम जल्द से जल्द उसका लेसन प्लान बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना, जो कि सूक्ष्म शिक्षण की सीरीज़ का अगला लेसन प्लान है, सूक्ष्म लेसन प्लान है। अभी तक हम सूक्ष्म शिक्षण के बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, उम्मीद है आपने देखे होंगे। और यदि नहीं देखे हैं तो आप जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे खोलिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की प्लेलिस्ट खोलकर पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में भी बनाइए, हम जल्द से जल्द इंग्लिश में भी लेकर आएंगे। थोड़ा हमारे लिए कठिन वर्क हो जाता है, यानी डिफ़िकल्ट वर्क है, इंग्लिश हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आएंगे। यहाँ पे हम अभी हमारा जो ब्लैक बोर्ड कौशल है वो चल रहा है, उसकी पाठ्य योजना लेकर हम आए हैं। इसकी हम दो पाठ्य योजना हिंदी की बना चुके हैं, ये हम तीसरी लेकर आए हैं। जैसे हमने आपसे कहा था कि हम अगली में सामाजिक विज्ञान और गणित की लेकर आएंगे, तो यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान की लेकर आए हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना। सबसे पहले हम सूक्ष्म पाठ्य योजना का क्रमांक डालेंगे, उसके बाद हम ब्लैकबोर्ड फिलिंग बनाते हैं जिसमें हमें नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, समय और कौशल डालना होता है। फिर प्रकरण हमारा है वायु प्रदूषण, हम उनको कॉलम बनाकर यहाँ कॉपी में हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ वहाँ पर हम जब बड़ा लेसन प्लान बनाते हैं तो ये हमारे ब्लैकबोर्ड वर्क का हिस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर हम क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र, अध्यापिका, व्यवहार, घटक कॉलम बनाएंगे। हमारे घटक इसके चार जो कि आपको लेसन प्लान के नीचे मिलेंगे। यदि आप पहले वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले वायु प्रदूषण को हम एक्सप्लेन करेंगे, वही जो मुख्य बिंदु हम ब्लैकबोर्ड पर लिखेंगे, फिर वायु प्रदूषण के कारण को हम लिख देंगे, फिर वायु प्रदूषण के प्रभाव और जो जो घटक हमारे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से प्रारूप बनाकर लगाना है शैम्पट का, और उसके बाद घटक की लिखावट की सुस्पष्टता, श्यामपट कार्य की स्वच्छता, विषय वस्तु की तारतम्यता और संक्षिप्तता व सरलता। तो हमारा जो पहला घटक है वो तीन बार इस्तेमाल हुआ, दूसरा भी तीन बार इस्तेमाल हुआ है, जो हमारा तीसरा घटक है वो दो बार इस्तेमाल हुआ है और जो चौथा घटक है वो एक बार। तो ये हो गई हमारी आवृत्ति। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे घटक एक तीनों बिंदुओं में इस्तेमाल हुआ है, घटक दो भी, और जो घटक हमारा तीन है वो दो जगह इस्तेमाल हुआ है और घटक चार एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। तो वहीं यहाँ हमने आवृत्ति बनाकर उसको दर्शाया हुआ है। यहाँ पे हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, हमारी ये सूक्ष्म पाठ्य योजना समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।